8 साल का बच्चा हो या 60 साल का अनुभवी व्यक्ति, यदि उसे छींक आती है तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, पलक झपक जाती है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? भारत के बुजुर्ग कहते हैं कि छींकते समय यदि आंखें बंद नहीं की तो आंखों की पुतलियां निकल कर गिर सकती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट नेक्लेरियो का दावा है कि छींक का आंखों से कोई रिश्ता नहीं होता। काफी प्रैक्टिस के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने आंखें खुली रखकर छींक कर बताया, लेकिन फिर भी मनुष्य के शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। आइए जानते हैं मनुष्य को छींक क्यों आती है। इसका कारण समझने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि हमें छींक क्यों आती है। होता यूँ है कि सांस लेने के रास्ते में जब कोई बाहरी कण जैसे धूल या महीन रेशा वगैरह अटक जाता है तो इसे साफ करने के लिए शरीर जो प्रक्रिया अपनाता है वह छींकना कहलाती है। जब इस तरह का कोई अवरोध श्वास नली में अटकता है तो दिमाग की ट्राइजेमिनल नर्व को अव्यवस्था का एक संदेश जाता है। इसके बाद दिमाग शरीर को वह अवरोध हटाने का आदेश देता है, जिसकी प्रतिक्रिया में फेफड़े ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इकट्ठी कर उसे जोर से बाहर निकालते हैं। दबाव के साथ हवा बाहर निकलने के चलते अवरोध पैदा कर रहे घटक भी बाहर चले जाते हैं। आखिर छींक आती क्यों है? कुछ टीचर्स का मानना है कि छींकना एक प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे पलकों का झपकना, गर्म चीज पर हाथ रखते ही हाथ का अपने आप फट जाना, स्वादिष्ट भोजन देखकर या सूंघकर मुंह में नार आना, कांटे पर पैर रखते ही पैर का हटना आदि। इन सब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचने से पहले ही एक्शन हो जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर छींकते समय आंखें बंद क्यों हो जाती हैं। जहां तक छींकने के दौरान पलके झपकने का सवाल है, इसके लिए वैज्ञानिक ट्राइजेमिनल नर्व को ही जिम्मेदार बताते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व तंत्रिका तंत्र का वह हिस्सा होता है जो चेहरे, आंख, नाक, मुंह और जबड़े को नियंत्रित करती है। दरअसल छींकने के दौरान अवरोध हटाने का दिमागी संदेश यह तंत्रिका आंखों तक भी पहुंचा देती है और इसकी प्रतिक्रिया में ही हमारी पलकें झपक जाती है। यानी कि छींकते समय पलकों के झपकने का कोई खास मतलब नहीं है, इसलिए जरूरत पड़ने पर इससे जुड़े मिथकों को छोड़ें और जब भी छींकें बस रुमाल थाम कर छींकें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, बाय बाय।